जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:19, और सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाते हैं हम लोग मार्केट का, थोड़ा सा देख लेते क्या हुआ। तो देखिए, मैंने सुबह भी आपको बता दिया और अभी भी सबको बता रहा हूँ, ये जो ये स्पॉट, इसको स्पॉट निफ्टी बोलते हैं, सीख लीजिए, और इसको फ्यूचर निफ्टी बोलते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो रियल निफ्टी होता है वो स्पॉट निफ्टी होता है, कैश निफ्टी, या आप लोग उसको कैश निफ्टी भी बोल सकते हो या स्पॉट निफ्टी भी बोल सकते हो। स्पॉट मैं जब भी यूज़ करता हूँ वर्ड, स्पॉट मतलब ये वाला निफ्टी 839, और ये जो 895 चल रहा है इसको फ्यूचर्स बोलते हैं। तो फ्यूचर्स से क्यों एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स का प्रीमियम हमेशा वेरी कर सकता है। कभी 70 पॉइंट का प्रीमियम रहेगा, कभी 50 का, कभी डिस्काउंट में भी रहता है। मगर स्पॉट जो होता है वो रियल प्राइस दिखाता है। तो स्पॉट पे जब भी आप एनालिसिस भी करते हो या सीखना चाहते हो तो ऑलवेज गो विद द स्पॉट फिगर। तो मैंने आज सुबह भी बोला था कि 930 के ऊपर अगर ये 20-25 मिनट टिके तब जाके समझना कि मार्केट वापस घूमने तैयार है, वरना इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट, ठीक है। मगर इतना बड़ा गैप डाउन मिला हमको, 850 दिख गया, 150 पॉइंट मिला तो हमने खा लिया। देखिए, ये एग्जांपल देता हूँ, ये जो 17900 का पुट कल 59 रुपये पे क्लोज हुआ और आज 128 बना दिया। कल 59 पे क्लोज हुआ, आज 128, यानी कि पैसा डबल, ढाई गुना हो गया। 59 रुपया था कल, आज 128.50, ठीक है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, एक्सिस बैंक कल आपको बोला था 19 रुपये में ये दिलाया था, 1870 का लो था, 30 का टारगेट दिया था, 32.30। एक्सिस बैंक फ्यूचर भी बोला था जम के शॉर्ट मार दीजिए, 775 का टारगेट दिया था, 773। कल जब सेल बताया था तब 799 चल रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं वापस से दिखा देता हूँ पहले। तो ये रहा, ये कल के है ना सारे, कल के हैं। ये 11 रुपये वाला पुट अब 12.5 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, एक्सिस बैंक 797, आप लोग को 799 पे बोला था, 775 का टारगेट आइदर टुडे और टुमोरो, ये कल लिखा था मैंने, तो आ गया आज 773। और ये टिल टुमोरो लिखा था, 19:10 पे ले लीजिए, 30 का टारगेट आ गया, 32 आपके सामने। अब आज क्या लिखा है मैंने वो भी देख लेते हैं। अच्छा, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें से कोई गोवा का है रहने वाला, तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें से गोवा कौन कौन रहता है, एक सेकंड, ये क्या हुआ, क्या आया, क्यों नहीं, अपडेट नहीं हो रहा, पता नहीं। हाँ, ये आ गया। तो मैं 11 और 12 तारीख को अब्सेंट रहूँगा, मैं गोवा में रहूँगा 11 और 12 तारीख अप्रैल, ठीक है। तो मंडे एंड ट्यूसडे सेल अदानी इंटरप्राइज। हालांकि अदानी में एक प्रॉब्लम क्या आ गई है, अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइज शायद मर्ज होने वाले हैं, ऐसा मुझे किसी ने न्यूज़ भेजा है। तो उसी कारण ये गिर रहा नहीं है, वरना इसका बाप भी गिरना चाहिए, एज पर माई थ्योरी इसको गिरना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर न्यूज़ है तो आई कांट टेल, ठीक है। अगर वो न्यूज़ सच्ची है तो न्यूज़ कभी भी सबका बाप बन के काम करती है। जब भी कोई न्यूज़ रहती है तब फंडामेंटल और टेक्निकल एक बार के लिए साइलेंट हो जाते हैं, मैंने आपको हर बार बताया, ठीक है। और निफ्टी इज़ ए सेल ऑन राइस अंटिल स्पॉट निफ्टी मीन्स कैश निफ्टी मैनेजेस टू स्टे अबव 17930 फॉर मोर देन 20 मिनट्स। अगर ये 930 के ऊपर 20 मिनट टिक जाता तो फिर मार्केट वापस घूम सकता है, वरना ये सेल ऑन राइस है। एक और दिया, इंटेलेक्ट का पुट, 900 वाला पुट 17 रुपये में लीजिए, 12 पे और ऐड करिए, 8 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 34+ का टारगेट देखते हैं। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट अभी 17-17.55 ही चल रहा है, ठीक है।
ओवरऑल अब देखिए अदानी में अगर चार्ट को मैं देखूं तो इसको एट एनी कॉस्ट 2000 रुपये तो आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर और देखिए इसकी आरएसआई भी 80 पहुंच गई है, स्टॉक एस्टिक भी 93 के करीब है, तो ओवरबॉट है। लेकिन आज थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखा रहा है, कल के हाई को नहीं छुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है आज से टर्न अराउंड आए और यहाँ तक लेके आए 20 EMA तक लेके आए 1950 तक, क्योंकि ये बढ़ जाएगी EMA। आज 1915 दिख रही है लेकिन 1950 तक आना चाहिए स्टॉक टेक्निकली, ठीक है। अब निफ्टी का देखते हैं हम लोग चार्ट। निफ्टी में देखिए गैप डाउन, एक तो ये गैप फिलअप होना चाहिए 703 वाला 703 जो 1 अप्रैल का हाई था, उसको एक बार मार्केट छूने आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये 600 पे आ चुका है 10 EMA, तो हो सकता है 10 EMA छू के फिर से वापस रिवर्स हो जाए, तो चांसेस यही बन रही है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, कल भी मैंने बोला 37,000 तक आ जाएगा, तो बैंक निफ्टी 37,100 तक तो आना चाहिए कल तक। तो ये सब दिख रहा है, मगर आप अपने प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहे, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक किया वही आपका पैसा होता है, ठीक है। दैट्स इट। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।